पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मारुति सेवा संगठन धरनावदा की ओर से जोरदार शानदार जानदार जबरदस्त पहल के साथ कार्य किया, जिसमें मिट्टी की गणेश प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। इस वर्ष मारुति सेवा संगठन ने अपने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और निरंतर मारुति सेवा संगठन धरनावदा एवं धार्मिक कार्यों में अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। मिट्टी के गणेश क्षेत्रीय प्रतियोगिता का महा आयोजन हुआ, जिसमें 170 प्रतियोगियों ने मिट्टी के गणेश प्रतिमा बनाकर इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता में धरनावदा, भुलाए, वमरिया, बेरोपुरा, रामपुरा, खीरिया, आमखेड़ा के बच्चों व बड़ों ने अपने घर पर मिट्टी के गणेश बनवाए गए और उनको ही घरों में स्थापित भी किया जाएंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, विसर्जन के समय होने वाली दुर्गनाग्र ना हो, इस पर बहुत ध्यान दिया गया व मिट्टी के गणेश जी को लेकर होने वाले पर्यावरण के फायदे के बारे में सबको एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिमाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मिट्टी से बनाई गई, बाजारों से खरीदी गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं जल प्रदूषण का कारण बनती है, इसलिए इस बार भी #मारुति सेवा #मारुति #सेवा #संगठन #धरनावदा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी के गणेश बनाने का आह्वान किया। साथ ही निर्णायक समिति के द्वारा सबसे श्रेष्ठ मिट्टी के गणेश बनाने वाले प्रतिभागियों को चुना गया और उन्हें सम्मानित किया और सभी प्रतिमाओं को अपने अपने घरों में स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही गमलों में विसर्जन करने का आह्वान किया। नितिन शर्मा की रिपोर्ट। नरमरिया जी को, जिन्होंने हमारे बीच में समय निकाला और समझ की शोभा बढ़ाने में हमें जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत छोटे से धन्यवाद देता है मारुति सेवा संगठन, जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जो खिताब मिस मध्य प्रदेश के रूप में जो जाना जाता है उसको हमने नाम किया। वो हमें उम्मीद नहीं थी कि इस मंच पर हम ऐसी ऐसी शख्सियतों को बुला पाएंगे, लेकिन सहज भाव से यहाँ कह दिया। इतने व्यस्त टाइम में भोपाल से यहाँ लग आए और परीक्षा चलते हुए उस समय में से भी समय निकाल कर आपके बीच में बना रही है। फिर एक बार जोरदार तालियां।